वहीं दुर्ग में जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा खुशियों की दीपावली सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संस्था के सदस्य गरीब, असहाय और बेघर लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें नए कपड़े व मिठाइयां वितरित कर रहे हैं और उनकी दीपावली को खुशनुमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाली जन समर्पण सेवा संस्था इस वर्ष गरीबों, मजबूरों व निराश्रितों की दिवाली को खुशनुमा बनाने खुशियों की दीपावली सप्ताह का आयोजन कर रही है, जिसके तहत रेलवे स्टेशन में रहने वाले बेघर, निराश्रित व वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों और सड़क पर घूम घूम कर भीख मांगने वाले मजदूरों को खुशियों की दीपावली के तहत भेंट स्वरूप कपड़े, मिठाइयाँ व बच्चों को फटाके दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जन समर्पण सेवा संस्था पिछले लगभग 6 सालों से गरीबों और असहायों के बीच जाकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसकी जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष योगेश बंटी शर्मा ने कहा कि गरीबों की सेवा कर उन्हें आत्म शांति का अनुभव होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।